तो आज मैंने फाइनली दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर ही लिया। तो आप सभी को अब तक पता चल ही गया होगा क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन में हम लोग अपने स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। पर साथ ही साथ मुझे अपनी इसरो पर पूरा भरोसा और प्राउड भी है, क्योंकि उन्होंने कम से कम बजट में इतना अच्छा मिशन सक्सेसफुल कर पाया और 95% मिशन हमारा सक्सेसफुल भी रहा। और आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम इससे भी ज़्यादा और अच्छे मिशन ज़रूर पूरे करेंगे, और इस मिशन को तो करना है ही यार। तो दोस्तों, जब मैं न्यूज़ मुझे पता चली है जब चंद्रयान लॉन्च हुआ, तब आप सभी के दिमाग में और मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन ज़रूर आया था कि आखिर स्पेस में जा रहा है स्पेस क्राफ्ट अर्थ पे बैठे हुए स्पेस सेंटर से कॉन्टैक्ट कैसे करता है। मतलब कि सोचिए, स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट गया और उसका मन किया चलो आज करता हूँ गर्लफ्रेंड से मीठी मीठी बातें, तो कैसे करता है वो? गर्लफ्रेंड से तो नहीं, स्पेस सेंटर में छोटी छोटी बातें तो कैसे करता होगा वो? तो आज इस वीडियो में हम इसी बात को जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को आसमान में भेजा जाता है स्पेस में, तो उसके साथ डिश एंटीना, ट्रांसीवर, रिसीवर्स वगैरह लगा के भेजे जाते हैं। डिश एंटीना, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वही टाटा स्काई जैसी छतरी है जो आपकी छत पर लगी हुई है, जिसे ठीक करने के बहाने आप पड़ोस वाली रिंकी को देखते हो। सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। हाँ, वही डिश एंटीना जो शायद आपकी छत पर लगे हुए डिश टीवी या टाटा स्काई जैसे दिखते हो, पर हाँ उनसे काफ़ी बड़े और पावर में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। इनको लगाकर स्पेसशिप के साथ भेजा जाता है और उन्हें लॉन्च किया जाता है। और जैसे जैसे ये क्या करते हैं, ये रेडियो वेव्स को वहाँ से ले हुए कनेक्शन को, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को रेडियो वेव्स के द्वारा अर्थ पर बैठे हुए स्पेस सेंटर्स में भेजते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है, मान लीजिए हमारा अर्थ यहाँ है और हमारा स्पेस सेंटर यहाँ, पर क्योंकि हमारा अर्थ कंसिस्टेंटली इस तरह से घूम रहा है, तो मान लीजिए स्पेसशिप यहाँ है और यहाँ पर उसने जब सिग्नल भेजा और ये चीज़ यहाँ आगे चली गई, तो सिग्नल तो यहाँ आ जाएगा। तो इसी के लिए कुछ जैसा कि इमेज आप अभी फ़िलहाल अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से 3 अलग अलग DSNs बनाए गए। DSN यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क्स, इन पर बहुत बड़ी बड़े डिश एंटीनाज लगाए गए जो कि कांटेक्ट करने में मदद करते हैं, स्पेस क्राफ्ट से आ रही इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं और हमारे स्पेस में बैठे हुए साइंटिस्ट्स को बताते हैं। इन्हें अलग अलग जगहों पर अर्थ में लोकेट किया गया कि अगर अर्थ घूम भी जाती है, रोटेट भी कर लेती है, तो भी हमारा कनेक्शन बिल्कुल भी लॉस्ट ना हो। अब जो स्पेस प्रोब्स हैं वो इसी तरह इन रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स के मदद से रेडियो वेव्स को रिसीव करते हैं और अपने भेजे हुए इंफॉर्मेशन को अर्थ पर भेजते हैं और अर्थ से भेजी हुई इंफॉर्मेशन को वहाँ पर रिसीव करते हैं। अब इस जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो सब हमारे पास टीवी में या स्पेस सेंटर्स में हमें वो फ़ोटोज़ वगैरह भी देखने को मिलती हैं। पर अब बात ये है, ये जो रेडियो वेव्स हैं ये थोड़ी बहुत ही नेचर में पेनिट्रेटिंग होती हैं, मतलब कि मान लीजिए कोई छोटा मोटा अगर ऑब्जेक्ट आया तो उसे पार करके भी निकल जाती हैं। जैसे कि आपका फ़ोन जो है वो भी रेडियो वेव्स के ऊपर ही चल रहा है, जैसे कि आप घर में बैठे हुए हैं, आपको कॉलिंग करने में बहुत कम प्रॉब्लम होती है, पर आपने भी ये बात कई बार तो फील की होगी कि जैसे जैसे आप अपने रेडियोज़ के साथ फील की होगी कि कई बार उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर हो जाती है। यही होता है रेडियो वेव्स के साथ भी, छोटी मोटे ऑब्स्टेकल्स तो वो क्रॉस कर जाती हैं, पर जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ऑब्स्टेकल आ गया तो कई कई बार वो इन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस नहीं कर पाती और हमारा सिग्नल टूट जाता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वेट करना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। अब ऐसा तो है नहीं मैकेनिक को कॉल करो और जाके कह दो भाई जा स्पेस में मेरा ये नहीं आ रहा सिग्नल, जाके तो ठीक कर दो, ऐसा तो नहीं होने वाला दोस्तों। तो इसी तरह से कई बार सिग्नल टूट जाते हैं या फिर कई बार स्पेसक्राफ्ट से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता और हमारा मिशन अनसक्सेसफुल हो जाते हैं या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण भी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इन्फॉर्मेशन को कैसे भेजा जाता है, स्पेसक्राफ्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है और स्पेस में कॉन्टैक्ट कैसे बनाया जाता है। मैं आपसे मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।